ये एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा है, जीवन धारा। कार्यक्रम जीवन धारा सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। आइए आपको इस 30 मिनट में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज बच्चे कहानी सुनेंगे, कहानी के बाद एक गीत और फिर कार्यक्रम के अंत में पवित्र शास्त्र यानी बाइबल से परमेश्वर का वचन होगा। तो श्रोताओं, आइए बच्चों की कहानी सुनने से पहले इस गीत को सुनते हैं।
प्यारे बच्चों, आपको ग्लैडिस आंटी का नमस्कार। मुझे बताओ, आप अपना समय कैसे बिताते हो? मेरी कहानियां तो सुनते हो ना? तो आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूं, उसका शीर्षक है समय का उपयोग। एक दिन एक व्यक्ति किसी महात्मा के पास पहुंचा और कहने लगा, जीवन अल्पकाल का जीवन है, इस थोड़े समय में क्या क्या करो। बचपन में ज्ञान नहीं होता, युवा अवस्था में गृहस्थी का बोझ होता है और बुढ़ापा रोगग्रस्त और पीड़ादायक होता है। तब भला ज्ञान कैसे मिले, लोक सेवा कब की जाए, यह कहकर वह रोने लगा। उसे रोते देख महात्मा भी रोने लगे। उस आदमी ने पूछा, आप क्यों रो रहे हो? महात्मा ने कहा, क्या करूं, खाने के लिए अन्न चाहिए, लेकिन अन्न उपजने के लिए मेरे पास जमीन नहीं है। परमात्मा के एक अंश में माया है, माया के एक अंश में तीन गुण है, गुणों के अंश में आकाश है, आकाश में थोड़ी सी वायु है और वायु में बहुत आग है, आग के एक भाग में पानी है, पानी का शतांश पृथ्वी है, पृथ्वी के आधे हिस्से पर पर्वतों का कब्जा है, जमीन पर जहां देखो नदियां बिखरी पड़ी है, मेरे लिए भगवान ने जमीन का एक नन्हा सा टुकड़ा भी नहीं छोड़ा। थोड़ी सी जमीन थी, उस पर भी दूसरे लोगों ने अधिकार जमा लिया, तब बताओ मैं भूखा नहीं मरूंगा? उस व्यक्ति ने कहा, यह सब होते हुए भी आप जीवित तो है ना, फिर रोते क्यों हो? महात्मा ने तुरंत उत्तर दिया, तुम्हें भी तो समय मिलता है, बहुमूल्य जीवन मिला है, फिर समय न मिलने की बात कहकर क्यों हाय हाय करते हो? अब आगे से समय अभाव का बहाना न करना, जो कुछ भी है उसका उपयोग करो, उसी से संतोष पाओ। संसार में हर किसी ने सीमित समय का सदुपयोग करके ही सब कुछ हासिल किया है। तो प्यारे बच्चों, हर एक के पास उतना ही समय है, 24 घंटे। तो फिर कोई लोग इतने सारे बड़े बड़े काम कैसे करते हैं? क्योंकि वे अपने समय का सदुपयोग करते हैं। आपके पास भी बहुत समय है, पढ़ लिख कर महान बनो, अच्छे अच्छे काम करो। परमेश्वर हमेशा उन लोगों की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। मुझे पत्र लिखना मत भूलना, मैं इंतजार करती रहूंगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो का जीवन धारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। यदि आप यीशु के जीवन और उनके शिक्षाओं या फिर स्वास्थ्य विषय पर पत्राचार द्वारा अध्ययन करना चाहते हो, तो हमें इस पते पर लिखें, वॉइस ऑफ प्रोफेसी, 11 हेली रोड, नई दिल्ली 110001, इंडिया। श्रोताओं, इससे पहले कि हम परमेश्वर का वचन सुने, आइए ये गीत सुनते हैं। मसीहा हो नजीरे करम,
मसीहा हो नजरे करम, ऐ मसीहा हो नजरे करम, ऐ मसीहा हो नजरे करम, ऐ मसीहा हो नजरे करम, हसरत दीद लाए हैं हम, दीद लाए हम, हसरत दीद लाए हम, ऐ मसीहा हो नजर करम, ऐ मसीहा हो नजर करम, नक्शे कदम, तेरे पापी नक्शे कदम, तेरे पापी नक्शे कदम, ऐ मसीहा हो नजरे करम, ऐ मसीहा हो नजरे करम, बख्श दीजे खताएं मेरी, बख्श दीजे खताएं मेरी, बख्श दीजे खताएं मेरी, बख्श दीजे खताएं मेरी, दिल से मिट जाए दोज़ख का गम, दिल से मिट जाए दोज़ख का गम, मिट जाए दोज़ख का गम, ऐ मसीहा हो नजरे करम, ऐ मसीहा हो नजरे करम, तेरी आमद से प्यारे मसीह, 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 हो गए दूर रंजो आलम,
जब से पाया वसीला तेरा, 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 ना हुए हम कभी चश्मनम, ना हुए हम कभी चश्मनम, ऐ मसीहा हो नजीरे करम, ऐ मसीहा हो नजीरे करम। प्रिय रेडियो मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको भाई मॉरिस माधो का नमस्कार। मित्रों, हम देखते हैं बाइबल में कि परमेश्वर ने इस दुनिया से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई, हर एक इंसान जो कोई इस पर विश्वास करे, नाश न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये कितनी बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर हमसे करता है, कितना महान अद्भुत प्रेम परमेश्वर हमसे करता है। क्या हम अपने परमेश्वर से इतना प्यार करते हैं जितना प्यार परमेश्वर हमसे करता है? क्या हम उसकी आवाज को सुनते हैं? क्या हमारा संबंध उसके साथ निकट का है या दूर का है? बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, बहुत दूर, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। अब्राहम को परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर पूरा विश्वास था, संपूर्ण विश्वास था, वो विश्वासी था, परमेश्वर पर विश्वास करता था। कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो विश्वास अब्राहम का था, क्या वो विश्वास आपके जीवन में है? परमेश्वर ने हरेक प्रतिज्ञाओं को पूरा किया जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से किया। मेरे मित्रों, क्या हम परमेश्वर के वचन को पढ़कर और उस पर मनन करके उनके लिए अपने आप को एक उदाहरण साबित कर रहे हैं, या आज के इस भीड़ भरी दुनिया में
व्यस्त जीवन में हम केवल भाग रहे हैं। क्या हमारा जीवन ऐसा हो गया है कि हमारे पास समय नहीं कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़े, उसकी आवाज को सुने? मेरे दोस्तों, हमारा जीवन यूं ही गुजरता जा रहा है, हमारा जीवन खोखला हो रहा है, हम अंदर से खाली हो रहे हैं, और उस वक्त दुश्मन हम पर हमला करता है, शैतान हम पर हमला करता है और हमें कमजोर बनाता है। जो आशीष है परमेश्वर हमें देना चाहता है, आशीषों के हकदार नहीं होते और आंसू बहाते हैं। मेरे मित्रों, आप बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें और परमेश्वर के साथ बड़े निकट का संबंध रखें। आज की दुनिया में लोग तनावग्रस्त हैं, तनाव से ग्रसित हैं, उनका जीवन दुख से भरा हुआ है, लेकिन उनके पास आज समय नहीं कि वो परमेश्वर को पुकारे। मेरे मित्रों, हम देखते हैं परमेश्वर के अनेक दासों के जीवन को जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि बहुत से परमेश्वर के दासों को मुश्किलों दुखों के रास्ते से गुजरना पड़ा, फिर भी उन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा और वो परमेश्वर को पकड़े रहे। आज इस पृथ्वी पर हमारे जीवन में जरा भी समस्याएं आती है, हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं और उस पर इल्जाम लगाते हैं कि परमेश्वर ने मुझको छोड़ दिया। बाइबल कहती है यूहन्ना 15:4-5 में, ये परमेश्वर की एक महान प्रतिज्ञा है, इसे ध्यान से सुने, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में जैसे डाली दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मेरे मित्रों, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ जुड़े रहें, उसके साथ बने रहें, जैसे डालियां पेड़ों से जुड़ी हुई रहती है, अगर आप डाली को काट दें तो डाली मुरझा जाएगी, मर जाएगी, सूख जाएगी और उसके तरफ कोई देखेगा भी नहीं, और अंत में लोग उन सूखी डालियों को जलाते हैं। मेरे दोस्तों, शैतान नहीं चाहता है कि आप एक सूखे हुए व्यक्ति बने जिसके अंदर न आनंद हो, न खुशी हो, केवल दुख ही दुख हो। वो चाहता कि आप सूख जाए, और आप कैसे सूख सकते हैं? जब आप परमेश्वर के साथ अपना नाता नहीं जोड़ते, जब आप परमेश्वर के साथ अपना जीवन नहीं बताते, जब आप परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, आपका जीवन नरक बन जाता है। आप अपने आप से प्रश्न पूछें, क्या मैं परमेश्वर की आवाज को सुनता हूं? क्या मैं परमेश्वर के बनाए हुए रास्ते में चलता हूं? परमेश्वर यही चाहता है कि आप उसके बनाए हुए रास्ते पर चले, ताकि आप परमेश्वर के उस महान प्रेम को अपने जीवन में अनुभव कर सके। क्या आप तैयार हैं आज अपना जीवन परमेश्वर को देने के लिए? परमेश्वर आज आपके घर के दरवाजे को खटखटा रहा है, और आप उसकी आवाज को सुनते हैं
तो आप उस दरवाजे को खोलिएगा ताकि परमेश्वर आपके घर में प्रवेश करे, ताकि आप जो मुर्दे के समान है, बीमार है, लाचार है, दुख से पीड़ित है, परमेश्वर आपको स्पर्श करेगा। परमेश्वर सच्चा है, वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आज तेरे पास आते हैं। हम चाहते हैं खुदावन कि तू हमारे जीवन में आ, हमारे जीवन को बदल, हमारे निकट आ, हमारे अंदर से जो भी बुराइयां हैं खुदावन, उन सब को निकाल और हमें तो अपने वचन का ज्ञान दे। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आप हमें इस नंबर पर कभी भी किसी भी समय फोन कर सकते हैं, अपने आंसुओं को मुझे बता सकते हैं, अपने बीमारियों को, अपने दुखों को मुझे बता सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मेरा नंबर है 9689231702, 9689231702। मेरा ईमेल आईडी है morrisawr@gmail.com, morrisawr@gmail.com। आप हमारे कार्यक्रम को ऑनलाइन में भी सुन सकते हैं। हमारा पता है AWR हिंदी एशिया। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। उम्मीद करते हैं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपको कार्यक्रम कैसा लगा अवश्य लिखें। हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। हमारा पता है कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्टबॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। श्रोताओं, अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। इसी समय इस मीटर बैंड पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।